अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कंटेंट राइटिंग के बारे में हमारी बात चल रही थी पिछली क्लासेस में। तो अब आप लोगों का सबसे मेन सवाल ये हो सकता है कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। भाई मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता हूँ, मेरे को नहीं आता लिखने। आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगा तो जो है कौन पढ़ेगा, है ना। इस किस्म के इंसान के जहन में सवालात होते हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चरिंग गुड कंटेंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे कंटेंट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, आपकी जो नीश है उसमें जो अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, जो अच्छे ब्लॉग्स हैं, जो अच्छे बुक राइटर्स हैं, उनके कंटेंट को आप पढ़ेंगे। सपोज जैसा मुस्तफा के जो है नीश चली लीडरशिप, तो लीडरशिप के टॉपिक पर जिस जो भी एक्सवाइजेड टॉपिक पर वो कंटेंट लिखने जा रहे हैं, गूगल करें, टॉप के 10 पेजेस हैं उसमें खंगालें किसका कंटेंट अच्छा है, पढ़ें। अपनी नीश का अपन को आइडिया होगा कि किसका समझाने का अंदाज अच्छा है, किसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो तमाम चीज़ों से क्या होगा, आप यू आर कैप्चरिंग गुड कंटेंट। नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, रिसेंटली व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत चल रहा था किसी बड़े अरब के आलिम दीन का, नाम जहन में नहीं आ रहा, कि उनके शागिर्द ने कहा कि मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे जहन में कुछ भी नहीं रहता, आई डोंट हैव अ सिंगल नॉलेज, सिंगल वर्ड इन माई माइंड। तो उन्होंने क्या किया, खजूर उनको खिलाया। खजूर खिलाने के बाद पूछा कि तुम्हारे जिस्म में कुछ फ़र्क पड़ा खजूर खाने के बाद, गोश में इजाफा हुआ, ये हुआ ये हुआ, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करे। तो अब खजूर खाने के बाद जिस्म में कुछ तो चेंजेस आएंगे ना भाई, लेकिन मालूम होंगे नहीं मालूम होंगे। उसी तरह जो आप कंटेंट ग्राफ्ट करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसका असर आपके इल्म में होता है। बाद चीज़ों से आपके अल्फाज का जखीरा बनता ना, एक नया वर्ड मालूम हो जाता है, वो टर्म वर्ड आपको नहीं मालूम था, आप उस टॉपिक पर पढ़ते पढ़ते आपके टर्म वर्ड वो आपकी आदत बन जाती है, आपके दूसरे दोस्त को उसकी आदत नहीं रहती। तो एक चीज़ है कि कैप्चरिंग गुड कंटेंट, पढ़ते रहेंगे वो टॉपिक पर आपके इल्म में इजाफा होगा, नहीं होगा बल्कि हो ही नहीं सकता, होएगा होगा। अब सोचें कि आप लोग अब जो डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर कुछ आप लोग रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो आपको इस टॉपिक पर जो नॉलेज अब है और आज से 2 महीने पहले की जो नॉलेज थी, फर्क है नहीं है, है ना। और दूसरी चीज, वो फर्क सिर्फ मेरे क्लासेस से आया नहीं, आपकी अपनी भी रिसर्च है, रिसर्च है ना भाई, आप खाली सुन के बैठ गए ठीक है हाँ सर बता दिए बहुत अच्छे, नहीं, यूर मोस्ट बेस्ट, यूर बेस्ट फ्रेंड विल बी शुड बी गूगल। आपका सबसे बेहतरीन साथी कौन होना है, गूगल होना है। क्यों, वो गलत रिजल्ट आपको नहीं बताता। अगर वो गलत रिजल्ट बताता, इररिलेवेंट रिजल्ट बताता, तो गूगल आज जो पोजीशन पे वो पोजीशन पर नहीं रहता ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि सर्च इंजन की जरूरत है कि वो क्वालिटी कंटेंट दे, रेलिवेंट कंटेंट दे, इसलिए सर्च इंजन टॉप पे होगा कि क्वालिटी यानी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और रेलिवेंट जो टॉपिक ढूंढे, आप ढूंढे क्या चाइनीज रेस्टोरेंट और वो हैदराबादी रेस्टोरेंट दे, तो रेलिवेंट है नहीं है, गलत है ना, कि यू आर सर्चिंग फॉर चाइनीज रेस्टोरेंट। तो उसकी जिम्मेदारी है सर्च इंजन की आपको चाइनीज रेस्टोरेंट का दे, उसके बाद दूसरे भी दे दे एक्सपायर्ड रिजल्ट, लेकिन फर्स्ट जो लुक आए वो चाइनीज रेस्टोरेंट का है। तो आपकी जिम्मेदारी की कैप्चरिंग गुड कंटेंट, कहां से पढ़ना, आपके टॉपिक पर गूगल करें, टॉप 10 ब्लॉग्स जो होते हैं वो गुड कंटेंट के ही होते हैं। इल्ला ये कि आप ऐसे टॉपिक पर हैं जिस पे कोई लिखने वाला नहीं है, आप हैं और 2 बेकार के और लोग हैं, जब हो सकता है कि जो है कि आपको उतना अच्छा कंटेंट ना मिले, समझे ना, क्योंकि उस पर कंटेंट जो है वही बताएगा ना, उसका नीयत तो थोड़ी ला के बताएगा, इट इज अ सर्च इंजन, नहीं उन्हें कंटेंट राइटर नहीं है, वो सर्च इंजन है। तो आपकी टॉपिक पर ऐसा नहीं हो सकता कि कंटेंट ना हो, आप लिखें, आपको एहसास होगा आपकी टॉप, आपकी वेबसाइट भी गूगल में आ रही है। और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, पहले मैं आपको वो टूल्स बता देता हूँ जिसके जरिए आपको मालूम होगा कि आपकी वेबसाइट गूगल में आ रही है, कौन से वर्ड्स पर आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या है, कैप्चरिंग गुड कंटेंट, पढ़ना शुरू कीजिए। अ गुड राइटर इज ए गुड रीडर, और वो स्कूल में टेक्निक्स पढ़े होंगे ना, LSRW या एड्स की जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको भी वही होता है ना, लिसनिंग से क्या होता है, स्पीकिंग में मदद मिलती है, रीडिंग से क्या होता है, राइटिंग में मदद मिलती है, समझे ना।
तो आप रीड करेंगे अच्छा कंटेंट, आपका कंटेंट भी अच्छा होगा। और जस्ट कैजुअल रीड नहीं करना, हाँ सरसरी तौर पर अखबार जैसा पढ़ते ऐसा नहीं, आप देखना कि उनके लिखने का ढंग कैसा है, उनके प्रेजेंटेशन का ढंग कैसा है, क्या है, वो तमाम चीज़ों पे आप रखेंगे। अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रामरली भी आपकी सपोर्ट कर देगा, आप लिखते वक्त कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो फर्स्ट काम क्या है, कैप्चरिंग दी गुड कंटेंट। दी नेक्स्ट काम क्या है, नोट टेकिंग, नोट्स आप लेंगे। ठीक है, सपोज आप पढ़ रहे हैं हाउ टू राइट ए गुड कंटेंट, ठीक है, आप जब इस पे पढ़ रहे हैं तो आपको दिखे के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे, उसको आप लिखेंगे, समझे ना, नहीं पढ़ के चले गए जहन से निकल जाएगा। इंसान का जहन सबसे बेहतरीन चीज है आइडियाज के लिए, टॉपिक कंटेंट को वो स्टोर नहीं करता अपने दिमाग में, आइडियाज तो दबा के बहुत से आ जाएंगे। आप बैठेंगे थोड़ी देर सोच लेते कि फ्यूचर कैसा बनाना है, 1 करोड़ जो है साल के कैसे कमाने, जबरदस्त आइडिया आएंगे, कल के दिन वो आइडिया आपके दिमाग में नहीं रहेगा, रहेगा बहुत से आते ना आइडिया बाद वक्त, गाड़ी चलाते हुए जाइए दूर का सफर हो सोचिए थोड़ा फ्यूचर के बारे में, तो ऐसा कर लेंगे ढेर सारे आइडिया थे, आते नहीं आते। या मैं थोड़ा अपना मतलब के इस्लामाइजेशन वाला एग्जांपल, तो अल्लाह के रकात मान लिए तो जो है ये करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से महीने के इतने कमा लेंगे, ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह की आवाज़ में जग जाते, नहीं होता था। यानी दिमाग में आइडियाज तो बहुत आते हैं बट इट कांट स्टोर योर आइडियाज। तो स्टोर करने के लिए आपको ब्लॉग पे लिख लेके रख लेना पड़ेगा, स्टिकी नोट्स यूज कर लेना पड़ेगा, डायरी यूज कर लेना पड़ेगा। तो उसी तरह जब आप अच्छा कंटेंट पढ़ें, अगर आप बुक में पढ़ लें हाईलाइटर यूज करके हाईलाइट करें, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिख लें। और सबसे बेहतरीन चीज, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस में लाने की, तो जो भी पढ़ लें आप जब नोट्स बना लें, नोट टेकिंग कर लें यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको फटाक से एक ब्लॉग पोस्ट बना के अपनी वेबसाइट पर डाल दो। इससे पहले एक मजमून आया था मुंसिफ में, नेकी कर फेसबुक पे डाल, बल्कि नहीं हर चीज लेके फॉलोगा फेसबुक पे डाल रहे थे ना, जब उतना इंस्टाग्राम उतना मशहूर नहीं था। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप जो भी सीख रहे हैं ना फेसबुक पे जाने के बजाय अपनी वेबसाइट पे डालिए। देखिए आपकी वेबसाइट आपका घर है, कोई मई कलाल उस पर आपको आके हटा नहीं सकता, आपके जाती घर पे कोई कब्जा कर सकता आके, नहीं बस इलीगल जगहों का मसला वो अलग छोड़ दीजिए, इलीगल लोगों का भी मसला अलग छोड़ दीजिए, आपके जाती घर पर कोई आके आपको नहीं बोल सकता नहीं भाई घर में ऐसा नहीं करना ऐसा करना। लेकिन आप किराए से किला घर लिए तो नहीं, अकेले नहीं मानना, दीवार पे जो है छोटे बच्चे हैं क्या दीवार पे नहीं लिखना, फैमिली छोटी है बड़ी है, आपके बेटियां घर में कितने वक्त आते हैं। एक साहब सुना रहे थे कि घर किराए को लेने गए तो पूछेंगे थे फैमिली कितनी, अच्छा बेटी की शादी हो गई तो उन्हें महीने में कितने मर्तब आते उनके कितने बच्चे, अरे भाई तेरे को क्या करना घर 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 किराए पे दे रहा इंटरव्यू ले रहा, नहीं चलो जो रह रहे उनके बारे में सवाल कर लिए कर लिए उनके कितने बच्चे हैं उन्हें कितने मर्तब आते। ये अपने सईदाबाद कुरमागोड़े की बात करते, तो खैर तो ऐसे भी होते हैं लोग। तो आप जब नोट्स करें वो नोट की एक छोटी सी पोस्ट बना दें, पोस्ट बनाकर आपकी वेबसाइट पर डाल दें। आप देखना आप आज से 2 महीने के बाद कोर्स खत्म हुए तक परेशान हो जाएंगे, आप जो टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं वो टॉपिक पर पोस्ट बनाएं अपनी वेबसाइट पर डाल दें, फेसबुक पर ना डालें, आपकी पोस्ट की लिंक फेसबुक पर डालिए। और तरीके होते हैं सोशल मीडिया पर भी, जो है आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है जैसे आप नोट टेकिंग करें, इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स मिले आपको, हाउ टू बिकम ए गुड क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर जैसा मुस्तफा का टॉपिक है, तो 4 क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर बोलकर 4 क्वालिटीज के नाम लिख दे के उनके ऊपर थोड़ा बहुत लिख दे के आप लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते, लेकिन पूरा जो कंटेंट है मेन कंटेंट वो आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, राइटिंग कंटेंट स्टार्ट्स विद ए थॉट, कंटेंट जो आप लिखते हैं ना वो एक थॉट से शुरू होता है कि जहन में आपको ख्याल आया कि मेरे को ये टॉपिक पे थॉट कौन सा होगा, आपके नीश के बेस पे थॉट जो होगा, तो पहले आप सोचेंगे, देन इट बिकम्स कन्वर्जेशन। क्या होता है आमतौर पर कोई अच्छी बात आपके जहन में आई तो आपके खास दोस्त जो होते हैं ना आप उसे डिस्कस करते हैं, भाई इस पे करेंगे, या आप तीनों की तीनों चारों का एक सर्कल है आपने डिस्कस करें, कन्वर्जेशन हुआ।
द कन्वर्सेशन बिकम नोट्स. तो जब कन्वर्सेशन होता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसमें, उससे नोट्स बनते हैं. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये टॉपिक होनी चाहिए, ये टॉपिक होनी चाहिए, ये टॉपिक होनी चाहिए. द नोट्स बिकम द ब्लॉग पोस्ट. वही आपके नोट्स जो होते हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट बनती है. ब्लॉग पोस्ट बिकम वीडियो. मैं बोला ना अभी रिपर्पजिंग ऑफ कंटेंट, कि वही जो ब्लॉग पोस्ट थी आपका वीडियो भी होना चाहिए उस टॉपिक पर, कि आपको ट्रैफिक दोनों तरीके से मिले. देखिए भाई, दो किस्म के लोग होते हैं. बाज लोग वो होते हैं जो विजुअल्स को पसंद करते हैं, वीडियो में उनको बात समझ में आती है. बस वो लोग होते हैं जो टेक्स्ट को पसंद करते हैं. मेरी बात आप माने, मैं टेक्स्ट को पसंद करता हूं. अब देखो, किसी टॉपिक पे पढ़ना है तो टेक्स्ट में होगा तो आप डायरेक्ट टॉपिक पे जा सकते हैं. वीडियो बोल तो एक घंटे की वीडियो बोल तो पूरी जो है आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखनी पड़ती है, नहीं है? आपको कुछ एरर आया. अब वो यूट्यूब के वीडियो अल्लाह की पना कैसे रहते हैं, वो 3-4 मिनट तो खाली टॉपिक को घसेगा, घसीटेगा, है ना? वो आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को नहीं बताएगा. क्यों? उसको अपना क्या बोलते हैं, वो टाइम बढ़ाना है आवर्स, तो वो टॉपिक को खींचेगा लंबा. और वेब पोस्ट होगी तो क्या होगा, आप गूगल पे करें कि हाउ टू डू एक्स वाई जेड, वो सीधा आजकल तो गूगल क्या करता है, सीधा वो एक्स वाई जेड टॉपिक पर लेके जाता है आपको, नहीं लेके आता. तो मेरे को जो पसंद आते हैं नॉर्मली कि किसी डाउट को क्लियर करने वगैरह, वो ब्लॉग पोस्ट ना समझने आते. वीडियोज भी देखता हूँ लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, टेक्सचुअल हो जाए तो जल्दी जल्दी होता है, स्क्रीनशॉट वगैरह को देखकर जल्दी 2-3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा पेचीदा मसला है तो उस पर मैं वीडियो देख लेता हूँ. शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, लंबे वीडियोस मैं पसंद नहीं करता हूँ. हाँ, सीखने की अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करना है. जैसे अभी इन्होंने पूछा साइन अप फॉर्म कैसे लगाना वगैरह, तो मैं पहले पोस्ट देखता हूँ. जो अच्छी वेबसाइट्स हैं मालूम है मुझे, उसकी पोस्ट देखता हूँ. अगर उनका ही वीडियो है या मेरे को थोड़ा तेजी से देखना है वीडियो पे, जो है 1.25 लगा के देख लेता हूँ. तो होता है कि टेक्सचुअल और वीडियो दोनों में आप रहे तो आपके रैंक करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना? तो पहले क्या आता, एक थॉट आता, और थॉट को आप क्या बोल सकते हो, उसके टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर लेना कि भाई लीडरशिप क्वालिटीज पे आपको आर्टिकल लिखना है. तो आप थोड़ी देर जहन में, क्योंकि मेरी नीश नहीं है वो, ठीक है, मेरी नीश है SEO. तो मेरे को जो है Why SEO is important? या why digital marketing is important? तो मुझे content लिखना है, video बनाना है या text लिखना है, तो मैं pen ले लूँगा, थोड़े लिख लूँगा. SEO या digital marketing से क्या होता जो है कि आप online marketing कर सकते हैं, Facebook ads कर सकते हैं, Google ads कर सकते हैं. आज की दुनिया में सब जने जो है phone इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर कोई phone पर available है, तो normal marketing के मुकाबले में digital marketing अच्छी होगी. मैं थोड़े points ऐसा लिख लिया, लिखने के बाद जो डिस्कस कर लिया, ठीक है. या डिस्कस नहीं करे तो बहुत से फोरम्स है ना, कोरा को इस्तेमाल करना शुरू कर दो मेरे भाइयों. कोरा इस्तेमाल करते? ऑनलाइन की कोई ऐसी चीज ना हो जिस पर आपका वजूद ना हो. मैं लेट स्टेप्स, लेट काम शुरू करा, आप लोग ना करें कोरा पर. अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे ना भाई, तो आपके टॉपिक्स में डिजिटल मार्केटिंग रख दीजिए, तो वो आपको वही बताएगा. डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सवाल बताएगा, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कंटेंट बताएगा. तो जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर कोई सवाल दिखा, आपको जवाब जहन में नहीं आ रहा, गूगल करके उसका जवाब उसमें देना. ऐसा होता ना, बाद वक्त हम बेकार बैठे हुए रहते, गेम निकाल के खेलते रहते, नहीं होता ऐसा? मैं क्या करता हूँ, मैं जब मेरे साथ लैपटॉप में यूज नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैं कोरा पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एक दो तीन हफ्ते से तो रेगुलरली. लिंक्डइन पर आप एक्टिव रहना, कोरा पर आप एक्टिव रहना. अगर आपकी नीश के हिसाब से पब्लिक जो है फेसबुक पे है तो आप उस पर एक्टिव रहना. पब्लिक कहाँ रहती मालूम कर लेना. ये तमाम चीजें क्या करेंगे, आपको आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद करेंगे. बात समझ में आ रही? अरे कोरा पे भी जाओ मुस्तफा हाशमी, आप लिंक्डइन पे भी जाओ मुस्तफा हाशमी, आप फेसबुक पे भी जाओ ये टॉपिक पे मुस्तफा हाशमी. और ब्रांड एक दो दिन में नहीं बनता, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना? मेरी आवाज वगैरह बराबर है? हाँ. अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल डेटा से हूँ आज. एंड द कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट बिकम ए बुक. अब आप एक बुक लिखना चाह रहे हैं, हमारे इनको ले लो सोहेल साहब को, एक बुक लिखना चाह रहे हैं तजवीद के ऊपर, तजवीद की अहमियत के ऊपर, ठीक है, उनकी नीश जो है. तो आप बताएं
कि अब एक बुक लिखना बोले तो ऐसा होगा नहीं, बहुत भारी काम होता है बुक लिखना, लेकिन उन्होंने क्या करे, तरतीब से उनकी वेबसाइट पर जो है ब्लॉग पोस्ट लिखते रहे, ठीक है, तजवीद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद एक चार दिन का तजवीद की अहमियत, उसके बाद तजवीद के बाद रूल्स, उसके बाद तजवीद के ऊपर ऐसे टॉपिक्स आते गए, एक 10 टॉपिक हो जाएंगे तो एक बुक बन गई, नहीं बन गई। कितने की बड़े उलमा की किताबें क्या होती हैं, उनके मजामिन होती है, मकालात, मकालात बोल के किताबें नहीं मिलती आपको, बात तो पर्टिकुलर नाम के साथ होती है, क्या होती है उसमें जो है वो लिख देते हैं कि ये तो मेरे जो है फलां मैगजीन में मेरे रिसाले थे, उसको जो है हमारे अजीजम ने जो है क्या किया, एक तरतीब से ढाल दिया, मैंने नज़रसानी की, अब ये एक मुकम्मल किताब है, होता नहीं होता। जो बुक लिखते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइटर के अलावा, राइट, ऑथर से ऑथोरिटी है, आपको आपकी नीश में ऑथोरिटी बनना है, और ऑथोरिटी आने के लिए आपकी एक बुक होनी जरूरी है, समझे, आप एक बुक पब्लिश कर दिए तो आपकी बुक बिके ना बिके। एक बंदे ने जो है एक किताब लिखी डिजिटल मार्केटिंग फॉर गालिबन डॉक्टर्स, वो कोई पढ़े नहीं मालूम, लेकिन उसने बाजबता बुक लिखकर पब्लिश कर दी, अमेजोन ISBN नंबर ले लिया, सब ले लिया। अब वो अपने प्रोमोशन के लिए कह सकते ना कि मेरी ये किताब है, और लाजिम बात है किताब लिखना एक आसान सी बात नहीं है, नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की, कौन सी भी चीज में आप तसलसल के साथ काम करना चाहना, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, और बुक के लिए जो है आइडियाज होना, मवाद होना, फिर कंसिस्टेंसी, बाजबता एक 150-200 पेज की बुक बनना वाली तो सालों लग जाते, महीनों लग जाते। द कलेक्शन ऑफ वीडियोज बिकम ए कोर्स, कलेक्शन ऑफ ब्लॉग पोस्ट क्या बन गई, बुक बन गई। आप क्या करें, एक टॉपिक पे, तजवीद की टॉपिक पे, मिसाल के तौर पर हमारे सोहेल भाई जो है रेगुलर बेसिस पर छोटे छोटे वीडियोस बनाए, बनाने के बाद जो है 15 वीडियोस का हो गया। आप बस वीडियोस देखे होंगे, जैसे आपके हैरी के ले लिए कि फुला कोर्स तकरीबन 7 घंटे का वीडियो, 14 घंटे का वीडियो क्या रहता, वो एक ही दिन का रहता, क्या होता है एक एक टॉपिक का जो छोटा, एक एक टॉपिक का जो वीडियो होता है छोटा भी बोले तो 14 घंटे के हिसाब से छोटा पकड़ लो आप, तो वो वीडियोस पूरों को मिलाकर क्लब करके पूरा कोर्स बना देते, बेचने वाला बेचता, फ्री में देने वाला फ्री में देता, समझे ना। वो क्या होते हैं, 15-20 मिनट एक साथ कोई बैठ के पढ़ा सकता, 15-15 घंटा, 20-20 घंटे नहीं पढ़ा सकते, वो क्या होते हैं छोटे छोटे, हाँ 4-5 घंटे के बाद वक्त बोल सकते हैं कि एट ए टाइम आप बैठ गए, कोरोना में खसूसन बहुत से लोगों ने किया है टाइम पास करने के लिए। तो द कलेक्शन ऑफ वीडियोज बिकम ए कोर्स, द कलेक्शन ऑफ बुक एंड कोर्स बिल्ड ए ट्राइब अराउंड द कंटेंट। आप बोलिए, जब आप तसलसल के साथ ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज बनाएंगे, तो आपके अतराफ थोड़े आपके चाहने वाले बन जाएंगे। भाई अपने दुनिया का मामूल ये है कि कोई भी इंसान हो उसके फॉलोअर्स मिल जाते, कोई खुदाई का दावा कर दें उसके मानने वाले भी आपको मिल जाएंगे, कोई नबूवत का दावा कर दें उसके मानने वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। हम एक छोटी टॉपिक है जिस पे आप सीख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स खुद ब खुद पढ़ेंगे बनेंगे। आप सोच लो आप जो पोजीशन पे है, आपके नीचे की पोजीशन पे कितने लोग होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे, नहीं, स्कूल के बच्चों को सोच लो आप, 10th के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे, फिर जो दूसरे टॉपिक के बच्चे हैं जो ये टॉपिक में आना चाह रहे हैं, पूरे आपके तले हैं, नीचे हैं। तो आप ये ना सोचना अरे इसमें इतने लोग हैं ना, मेरे को कितने लोगों की जरूरत है। एक साहब जो है साइंस के एक्सपर्ट, फिजिक्स के एक्सपर्ट, ठीक है, नीट पढ़ाते थे वो। अब वो क्या करे, नीट में कंपटीशन ज्यादा है बोलकर जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दिए। कई बोलते इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है, अब बोलिए अकलमंदी है वो भाई। नीट में कंपटीशन ज्यादा है, सही बात, आपको कितने बच्चे चाहिए, आपको एक बैच चलाने के ऐसे 20 बच्चे भी मिल गए तो आपको माशाल्लाह तबारकअल्लाह मिल जाती ना इनकम, है नहीं। कंपटीशन ज्यादा है, पब्लिक भी ज्यादा है ना भाई, सबसे ज्यादा पब्लिक होती है 10th के एग्जाम में, उसके बाद छट जाते हैं इंटर, कितने के बच्चे तो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कोई MPC में चल जाता, कोई BPC, कोई CEC में चल जाता,
अब उसमें से आपकी जो है बाईपीसी नीट के बोलते बाईपीसी के बच्चे, ठीक है, उसके बाद कोई जाते हैं डॉक्टरी करने जाते हैं, कोई जो है अलग अलग जगह जाते हैं, फिर वहां पर इंटर के बाद भी छूटने वाले बहुत से लोग होते हैं। तो जब आप बड़ी इंजीनियरिंग को टारगेट करेंगे तो आपको पब्लिक भी कम मिलेगी, होता नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं होना कि स्वैप करते नहीं, टॉपिक स्वैप करते नहीं, स्वैप करते नहीं। आप सोचें कि मेरी टॉपिक पर मुझे माहिर बनना है और आपके पास पब्लिक आएगी आएगी। क्रिएट द कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म। आगे बात क्या है, आप शॉर्ट टर्म का मत सोचिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए। एवरग्रीन कंटेंट रहना, न्यूज कंटेंट क्या होता है वो एवरग्रीन नहीं होता। और जरा यूट्यूब वालों को आप देखेंगे कि जो है मौजूदा हालात में शानदार बयान, अरे भाई टॉपिक क्या है, आज से एक हफ्ते के बाद वो टॉपिक आपका काम का रहेगा नहीं। तो आप ऐसे आपके टॉपिक हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को टॉपिक का आइडिया ना हो। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा बस ग्रुपों में कि इंपॉर्टेंट बयान जरूर सुने, क्या टॉपिक है मेरे भाई, हो सकता है कि मैं सुन लिया हूं। तो वो चीज अभी टाइम पास वालों को वो डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं या जो बेकार के लोग होते हैं वो। लेकिन कोई संजीदा बंदा जो होता है वो टॉपिक देखकर पढ़ता है। यू कैनॉट जज ए पर्सन फ्रॉम ए सिंगल कन्वर्जेशन। आप किसको भी एक कन्वर्जेशन से नहीं पहचानते। इसलिए आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। तो इसलिए आपका कंटेंट क्या होना है, लॉन्ग टर्म। सो बी ए क्रिएटर, आप क्रिएटर बनो। इट्स ए कलेक्शन ऑफ योर कंटेंट बाय विच पीपल जज यू। आपका कलेक्शन ऑफ कंटेंट होता है जिससे लोग आपको जज करते हैं। रिपर्पज द सेम कंटेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेस। गेट द फीडबैक फ्रॉम द विजिटर्स। फ्यूचर में क्या करना है, आपको लोगों से फीडबैक भी लेना है। वो लीड जनरेशन जब हम करेंगे तो उसमें जो है इनका साइनअप का नहीं, मैं लीड्स का बताऊंगा, फॉर्म वगैरह वो भी आ जाएगा। और लोगों से जो है फीडबैक अपन लेना। जैसा मैं आपसे पूछा कि ब्लैक स्क्रीन अच्छा नहीं दिख रहा ना, तो आप लोगों ने फटाक से बोलिए जी सर अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये सजेशन आप खुद देना, नहीं हम लोग ऐसे फ्लेक्सिबल रहना कि ऐसा नहीं रखिए, ऐसा रखिए, ये फॉन्ट अच्छा नहीं दिख रहा, ये फॉन्ट रखिए। ईच कंटेंट शुड हैव ए कॉल टू एक्शन। देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक क्या करती है, बहुत सी लोगों का खराबी ये होती है कि वो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला लेते। सॉरी भाई, ट्रैफिक आके चली गई, क्या फायदा हुआ आपको? ट्रैफिक आके चलेगी क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। तो ट्रैफिक आने के बाद आपका कुछ बटन रहना या कुछ फॉर्म रहना जिससे लोग उनका ईमेल एड्रेस आपको दें। तो 1000 लोग आए तो 10 लोग तो देंगे, समझे ना। तो योर कंटेंट शुड हैव ए कॉल टू एक्शन। आपके कंटेंट में कॉल टू एक्शन बटन रहना जरूरी है। भाई स्क्रीन है बराबर? चलिए, तो ईच कंटेंट शुड हैव ए कॉल टू एक्शन। चल यूज ट्रिगर्स टू इन्फ्लुएंस थ्रू आउट योर कंटेंट लाइक लाइकिंग, सोशल प्रूफ, स्केर्सिटी एक्सेट्रा। भाई देखो बस ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अगर कहीं आपको दिखा कि ये ऑफर 24 आवर्स में खत्म होने वाला है और आपकी वो पसंदीदा चीज है उसमें डिस्काउंट दिख रहा है, क्या करते आप? नहीं ऑफर। अब देखो मैं बोलूं, मैं एक टूल खरीदा हूं, खैर मेरे फायदे का ही था, सस्ते में था, लेकिन मेरे खरीदने का वाकया क्या हुआ मालूम, कि वो बेहतरीन टूल था और लाइफ टाइम डील थी उसकी, और वो मेरे को $200 में मिल रहा था, ठीक है, और लाइफ टाइम डील थी। मेरे को लाइफ टाइम बोल तो नहीं, अब वो बताया क्या 24 आवर्स में वो लाइफ टाइम डील खत्म होने वाली है। हम सोचे बेताब होके, मेरे पैसे कहीं दूसरी जगह रुके हुए थे, आने थे, तो फिर मैं एक जगह से जो है फोन करके जबिच जो है भाई के पास से पैसे मंगाया, वो मेरे दिन नेक्स्ट डे आने वाले थे, लेकिन 24 घंटे में खत्म हो जाए, कैसा स्केर्सिटी, खत्म होने वाला, अरे भाई ये चले गया तो कैसा, बल्कि हम खरीद लिए, धर लिए, उसके बाद फिर वेबसाइट को दूसरे ब्राउजर से ओपन करे, जाके देखे तो फिर उसको भी 24 आवर्स बता, समझे नहीं समझे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उन्होंने क्या करे, मैं आपके लिए 24 आवर में ये डील आपको है बल्कि बता दिए, मैं जो ब्राउजर से यूज़ करा उसमें, मैं बाद में फिर विजिट करा तो वो 23 आवर्स इतने मिनट बता रहा है,
यानी मेरे ब्राउजर के कुकीज से कैशे से उन्हें क्या कर दिया, मेरे को टाइमर लगा दिया 24 घंटे का, समझे। मैं ब्राउजर चेंज करते कि मेरे को फिर से नया टाइमर आ रहा है 24 आवर्स का। तो इंसान जब देखता है कोई अहमियत की चीज है 24 घंटे, अब वो थोड़ी रिसर्च करेगा अलग अलग ब्राउजर से जब खरीदना हो तो जो है क्या हो गया वो ट्रिगर है, नहीं अहम टूल है, सस्ते में मिल रहा, लाइफ टाइम डील में भी खत्म, स्केर्सिटी खत्म होने वाले, ओनली टू प्रोडक्ट्स लेफ्ट होता ना अमेजन वगैरह पे, दो ही बचे हुए हैं, उससे क्या होता, अरे भाई खत्म हो जाएगा, मेरे को नहीं मिला दूसरा ले लिया तो जो है फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, इससे आपके कंटेंट को एक विजिट ज्यादा मिलते हैं और अगर आपको प्रोडक्ट है तो पब्लिक खरीदने भी जाती। अब ये परसों ब्लैक फ्राइडे डील आई थी किसकी, हमारे होस्टिंजर की, वही 139 से दिया उन्हें, होम पेज पे बस ब्लैक फ्राइडे डील लगा दिया, वही जो विदाउट ब्लैक फ्राइडे खरीदे उनको भी उतने में पड़ा, जो ब्लैक फ्राइडे में खरीदे उनको भी उतना ही पड़ा, समझे ना। बाधक होते हैं, बड़े डिस्काउंट्स होते हैं, नहीं होते बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल हम दे रहे हैं लो रेट में, उसमें और डिस्काउंट कर देंगे तो कैसा। तो उसको क्या करते हैं, वही चीज को जो है नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर डाल देते हैं, मूव पीपल डाउन द फनल फ्रॉम टॉप टू मीडियम टू बॉटम। देखो भाई एक फनल होता है, फनल बिल्डिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो लूंगा, ठीक है। फनल कैसा होता है, वो खीप रहती नहीं, खीप मालूम, पेट्रोल डालने के ऐसे गाड़ी में लगाते, देखो नहीं आजकल तो खैर पेट्रोल पंप से हो रहा है ना गैस का तेल वगैरह, तो खीप बोलते हैं उर्दू में अपने पास। तो अपनी भी जो है एक फनल रहना, टॉप ऑफ द फनल होता है, मीडियम ऑफ द फनल बोले तो आप उसमें से डालेंगे तो थोड़े लोग नीचे उतरेंगे, और बिल्कुल नीचे का सबसे नीचे का हिस्सा क्या होता है, बिल्कुल बारीक होता ना, वो बारीक को बोलते हैं बॉटम ऑफ द फनल। तो इसके ऊपर क्योंकि मैं अलग से लूंगा इसलिए मैं अभी उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फनल में जो है आपकी पब्लिक में पहली चीज क्या है, आप पोस्ट कर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो टॉप ऑफ द फनल हो गए, आपका वीडियो हो, आपकी ब्लॉग पोस्ट हो, ये सब चीजें क्या हो गई, टॉप ऑफ द फनल हो गई। उसके बाद क्या करें, आपके 10 पोस्ट हो गए, आपने एक छोटी सी पीडीएफ बना दी, तो वो जो ट्रैफिक आपके पास आ रही है आप उनको मीडियम फनल में ला रहे हैं। मीडियम फनल में कैसा, आप जो है बहुत सी वेबसाइट्स पर गए होंगे, माशाल्लाह आप लोगों के जो मैं देखता हूँ ग्रुप में, नहीं देखता हूँ नहीं, आप लोगों की जो भी चैट होती है जो भी लिखते हैं मैं देखता हूँ, जैसा ग्रैबन का आप लोगों ने दिया था, इसी तरह परसों हेडलाइन जनरेटर जो है हमारे अल्ताफ भाई ने डाला। तो आप लोग जब वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको बातों को दिखता होगा नहीं कि डाउनलोड इट एज ए पीडीएफ बोल के, देखो आप बाद जगह क्या होता है पीडीएफ डाउनलोड करो बोल के लिंक आया था, बाद जगह जो है कि आप कोर्स ज्वाइन करो, जो है न्यूज़लेटर ज्वाइन करो बोल के जो आते हैं आपको पॉपअप्स, वो सब क्या है, आपको डाउन द फनल लाना है। आप ऊपर से आके पढ़ गए चले गए, कल के दिन थोड़ी याद रहता आप कहां पढ़े, लेकिन ईमेल दे देंगे वो आपको याद दिलाते जाएगा हमारे पास ये भी है ये भी है ये भी है। तो हम क्या करें, उसको मीडियम ऑफ द फनल में ला लिया, अब नीचे लाके परचेस करना है, अल्टीमेट गोल क्या है, सेल है, तो बॉटम ऑफ द फनल है। वो टेक्निक्स पूरे हम बाद अब तक देखेंगे इंशाल्लाह। अब कंटेंट राइटिंग में बाज हर्डल्स इंसान को आते हैं, कंटेंट राइटिंग ले लीजिए कौन सा भी काम ले लीजिए उसको बाद हर्डल्स आते हैं, उसमें से क्या है, रेजिस्टेंस है, मैं नहीं कर सकता भाई, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, नहीं कैसा होगा, नहीं 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 मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं बन सकता, कैसा बन सकता हूँ, अरे नहीं ये रेजिस्टेंस है, इसको आपको ओवरकम करना है, भाई उन्हें कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? अब ये आपके अंदर है कि आप कैसा उसको रेजिस्ट करें। रेजिस्टेंस मे बी योर वर्जन वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, लोग हम बोलते नहीं अरे नहीं जी डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या तो भी है वो कि हम सुने नहीं, नहीं या खुद अपना वर्जन वन बिकम वर्जन टू बोला था ना मैं, तो आपका वर्जन वन भी बोल सकता नहीं भाई नहीं हो सकता बल्कि शैतान भटकारा बोलते ना, और बाद मिनल जिन्नति बनना दोस्तों और घर वाले रिश्तेदारों में भी होते, अरे नहीं यार क्या बेकार का टाइम खराब कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस के अलग अलग चीजें हैं, तो इनसे आपको ओवरकम करना है। रेजिस्टेंस कम्स इन द फॉर्म ऑफ परफेक्शनलिज्म, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। परफेक्शनिज्म बोल तो बहुत से लोग होंगे नहीं, अब आप लोग देख लो वेबसाइट अच्छी बने बार लिखेंगे, मैं जबरदस्त लिखना शुरू करे बार लिखेंगे, नहीं होता भाई, नो वन इज परफेक्ट,
आप जितना डिप में जाते जाओगे आपको पुराना कंटेंट बेकार दिखेगा, उसको आप अपडेट कर सकते कल के दिन। तो परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, आप लिखना शुरू करो, हल्लू हल्लू खुद आप परफेक्ट बन जाएंगे। सेल्फ डाउट, अरे भाई मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं अपने ऊपर भरोसा नहीं। अब देखो आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरा कैसे करेगा, है नहीं? जब आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरा पैसे लगाएगा आपके पीछे, तो वो निकालना। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलता आलसीपन, अपना नहीं करेंगे, हो हो हो, अलार्म को स्नूस करते रहते नहीं सुबह में उठने के लिए, अभी 5 मिनट में उठता हूं। इसी तरह काम क्या से भी जो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते नहीं करेंगे, हाँ कल करेंगे, अभी करेंगे, ये हरेक के साथ होता है, तो उसको आपको ओवरकम करना है। फिर आपके कुछ एडिक्शन होते हैं, फिर सोशल मीडिया है, भाई सोशल मीडिया आपको क्या दे रहा? आपको जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ईमेल पर बार बार आते हैं, तो इसलिए कहते हैं, तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, जो बिलियनर होते हैं, सेल्फ मेड बिलियनर होते हैं, उनके बारे में पढ़ना सुनना कि वो अपना टाइम कैसा गुजारते हैं। फेसबुक पर जा रहे हैं, नहीं 100 जनों के 100 कजन के पोस्टर दिख रहे हैं, बेकार। हाँ आप आपके यहाँ से एक घंटा दे दो थोड़ा इंजॉयमेंट के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन अगर आपका कैरियर वही चीज को बनाए जिसमें आपको खुशी होती, तो आपको जो है अलग से हटके फ्रेशनेस लाने के लिए कामों की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, आपका फोन सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्शन है, और अगर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मसला है वो भी डिस्ट्रैक्शन है। नहीं रहना चाहिए, लेकिन टू बी फ्रैंक कि अगर वो भी है आपका डिस्ट्रैक्शन है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं। घर वाले आपके बड़े डिस्ट्रैक्शन हैं, नहीं बातों का आप पढ़ते रहते ना, या घर वाले डिस्ट्रैक्ट कर देते। तो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, अपना टाइम जोन बनाना कि ये टाइम में मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, काम आपका सबसे सब अहम काम है, उसमें से अहम काम ये भी है, यू आर गिविंग योर टाइम, नहीं पैसे बात की बात है, आप आपका कीमती टाइम दे रहे हैं। फिर आप इससे कुछ फ़ायदा नहीं उठाए, मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैं सोचता हूँ नहीं 10,000 की चीज़ है तो 1,00,000 रुपये तो मैं इससे कमाना जाके मेरा फायदा हो, 500 की चीज़ मुझे 5,000 या 15,000 तो कमा के देना जब जाके मुझे फायदा है, एक कम से कम बता रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना, बहुत से होते हैं डिस्ट्रैक्शन। पुटिंग डेडलाइन, नहीं अब ये सब चीज़ों को ख़त्म करने का सबसे अहम चीज़ क्या है कि पुटिंग डेडलाइन, कि अपने हाथ से जो है डेडलाइन लगा ली, नहीं ये काम ये टाइम से पहले करना है। देखो कल क्लास थी हमारी, नहीं नहीं हो सकी, हमारे पास क्या हुआ था यार, फ्लक्चुएशन हो के जो है जंक्शन वगैरह का कुछ हुआ था मसला, उसके बाद एकदम लेट आई, शायद जो है वो थोड़े स्विचेस तो काम कर रहे थे, बाकी के जो है असल में बाद में देखा गया तो जब वो ड्रिप होके स्विचेस गिर जाते ना बाहर नीचे, वो हो गया था, वो सॉल्व करे तो जो है हमारा रूटर वगैरह उसमें चलेगा, उसके ऐसे कल क्लास नहीं हो सकी, अभी भी वो थोड़ा बनना है। तो पुटिंग नहीं डेडलाइन, अपने यहाँ से डेडलाइन लगा लेना कि नहीं भाई ये काम से पहले टाइम से पहले मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको जो है बहुत सी चीज़ों से अपने ऊपर प्रेशर डाल के रखना। डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, नहीं परफेक्शन के पीछे मत भागो। कंटेंट राइटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग आज का लास्ट टॉपिक है, तो थोड़ा लेट हो गया है, तो आप लोगों की जायज़ा लेना भी ज़रूरी था। अब देखो ये चीज़ को आपको एक फ़ोटो वोटो ले लेके, स्क्रीनशॉट ले लेके आपके सामने ये नक्शा रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट राइटिंग में भी काम में आएगा, हर जगह काम में आएगा। पहला करना क्या है, ओ ओ फर्स्ट चीज़ है लर्न, एक सेकंड मैं थोड़ा उसका